हेलो एवरीवन, आज हमारी बायो की फर्स्ट क्लास है, तो हम चैप्टर नंबर वन अपना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर वन जो है आपका, वो है लाइफ प्रोसेसेस। इसमें इस चैप्टर का नाम तो है लाइफ प्रोसेस, लेकिन इस चैप्टर में आपका फोर टॉपिक इंक्लूड है। पहला टॉपिक है न्यूट्रिशन, सेकंड रेस्पिरेशन, थर्ड ट्रांसपोर्टेशन और फोर्थ है एक्सक्रीशन। अब इन टॉपिक्स के अंदर आपको पहले जैसे न्यूट्रिशन जो बताया है वो पहले प्लांट्स में कैसे होता है और फिर एनिमल्स में कैसे होता है, पहले उसका जनरल डिस्क्रिप्शन, फिर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और न्यूट्रिशन इन एनिमल। इसी तरह से रेस्पिरेशन, पहले उसका जनरल डिस्क्रिप्शन है, फिर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। ऐसे ही आपका ट्रांसपोर्टेशन ले लीजिए आप, और ऐसे ही एक्सक्रिएशन, मतलब आपका जो ये जो फोर टॉपिक्स हैं, इन फोर टॉपिक्स के अंदर इन चारों ही टॉपिक्स को प्लांट्स में भी बताया गया है और एनिमल्स में भी बताया गया है। क्यों बताया गया है? क्योंकि ये दोनों ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इंक्लूड हैं, इसीलिए। तो अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन है, उसके बाद हम अपने टॉपिक पर आएंगे। देखो, लाइफ प्रोसेस, कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, हम उसको कॉमन भाषा में कहते हैं कि ये जिंदा है या ये जीवित है। हर एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अलाइव कंडीशन में हैं, उनको हम लिविंग बींग्स के नाम से या लिविंग थिंग्स के नाम से जानते हैं। जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं, जिसके के अंदर ह्यूमन बींग्स को भी इंक्लूड किया गया है, वो सब लिविंग थिंग्स के अंदर आते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा कौन सा क्राइटीरिया है जिसके जरिए हम ये डिसाइड करते हैं कि ये चीज अलाइव है या नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्राइटीरिया है डिसाइड करने का कि वेदर समथिंग इज़ अलाइव और नॉट, तो वो है मूवमेंट। मूवमेंट एक ऐसा क्राइटीरिया है जो कि डिसाइड करता है कि ये ऑर्गेनिज्म लिविंग है। हर एक जो लिविंग थिंग्स हैं वो बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के मूव कर सकती है, ठीक है। अब कुछ केसेस तो ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये मूवमेंट्स जो होते हैं इतने फास्ट होते हैं कि इनको हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं मूवमेंट के जो इतने स्लो होते हैं जिनको हम आसानी से क्या नहीं कर पाते, ऑब्जर्व नहीं कर पाते, ठीक है। अब ये एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को किस में रखा गया है, लिविंग में। तो एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो अलग अलग तरीक़ों से मूव करते हैं। जैसे अगर हम कुछ एग्जाम्पल देखें तो एनिमल्स वो मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाकर भी। वैसे जब हम अपनी प्लेस को चेंज करते हैं तो उसको हम लोकोमोशन के नाम से जानते हैं। लोकोमोशन और मूवमेंट में हम जब आगे पढ़ते हैं तो डिफरेंस आता है। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है कि जब हमने अपनी प्लेस को बदल दिया तो हमने लोकोमोट किया, जबकि मूवमेंट तो हम एक जगह पर बने रहकर भी कर सकते हैं। अगर हम अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करवा रहे हैं तो वो मूवमेंट कहलाता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अ फ्रॉग मूव्स व्हेन इट जंप्स इनटू अ पॉन्ड, फ्रॉग का मूवमेंट ही कहलाएगा जब वो पॉन्ड में जंप करेगा। अ बर्ड मूव्स व्हेन इट फ्लाइज इन द स्काई, एक बर्ड भी मूवमेंट करती है जब वो आसमान में उड़ती है। वी मूव व्हेन वी गो टू स्कूल, हम जब स्कूल जाते हैं तो मूवमेंट करते हैं। अ फिश मूव्स व्हेन इट स्विम्स इन वाटर, ये भी एक मूवमेंट है, ठीक है। यहाँ तक कि हम जब अपने हैंड्स के जरिए क्लैप करते हैं या हमारा जो चेस्ट है वो ब्रीथिंग के दौरान अप एंड डाउन मूव करता है तो वो भी मूवमेंट है। वी मूव आवर हैंड्स व्हेन वी क्लैप एंड आवर चेस्ट मूव्स अप एंड डाउन व्हेन वी ब्रीथ। तो ये सभी किसके अंदर आता है, मूवमेंट के अंदर आता है, ठीक है। यहाँ तक कि हम ये कह सकते हैं डॉग कैन वेग इट्स टेल, तो वो भी किसके अंदर आएगा, मूवमेंट के अंदर ही आएगा। लेकिन प्लांट्स जो होते हैं वो सॉइल में एक जगह फिक्स होते हैं, तो वो एनिमल्स की तरह तो क्या नहीं कर सकते, प्लेस टू प्लेस मूव नहीं कर सकते, लेकिन वो अपने बॉडी पार्ट्स के जरिए मूवमेंट शो कर सकते हैं, जैसे लीव्स, फ्लावर, शूट्स और रूट्स के जरिए। कोई भी प्लांट का जो पार्ट है, जब भी वो किसी स्टिमुलस की तरह मूव करता है, मतलब प्लांट को अगर कोई स्टिमुलस मिलता है तो उसकी तरह मूवमेंट शो करता है। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, चैप्टर नंबर 2 में। तो जैसे सनलाइट, ग्रेविटी, वाटर, ये एक तरह के स्टिमुलस हैं, जब प्लांट को मिलते हैं तो प्लांट मूवमेंट शो करता है। जैसे कॉमनली आपने नोट किया होगा या देखा होगा या सुना होगा कि जो सनफ्लावर का प्लांट है वो सन की तरफ बेंड करके
मूवमेंट शो करता है। जैसे टच मी नॉट प्लांट, नाम सुना होगा आपने, छुई मुई का पौधा, उसका साइंटिफिक नेम है मीमोसा प्यूटिका। जब आप उसको छूते हो, अपनी फिंगर से टच करते हो, तो उसकी लीव्स भी क्या होती है, फोल्ड अप हो जाती है। तो ये उसका मूवमेंट है। इसी तरह से जो प्लांट्स हैं वो अपनी रूट्स और शूट्स को ग्रो करके भी मूवमेंट शो करते हैं। तो ये सब प्लांट के मूवमेंट में आता है। इनमें से कुछ मूवमेंट तो ऐसे हैं जो कि हम ऑब्जर्व कभी नहीं कर पाते अगर ध्यान से नहीं देखें तो, लेकिन फिर भी प्लांट क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। अब जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो तो मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टोन एक नॉन लिविंग थिंग है, वो अपने आप से तो चलकर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा नहीं, है ना। तो वो मूवमेंट जो है, जो एक क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं हम, जो ये डिसाइड कर रहा है कि क्या तो लिविंग है और क्या तो नॉन लिविंग है ना? ऐसे ही जितने भी लिविंग थिंग्स जो हैं वो कुछ टाइनी लिविंग यूनिट्स से बने हैं, जिनको हम सेल्स के नाम से जानते हैं। सेल्स जो हैं वो और भी स्मॉलर पार्टिकल्स से बनी हैं, जिनको हम मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। तो ये जो मूवमेंट होता है, कभी कभी हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स का या मॉलिक्यूल्स का, वो इतना इनविजिबल है कि हम उसको नेक्ड आइज से तो क्या नहीं कर सकते, देख ही नहीं सकते, है ना। तो ये हैं मूवमेंट्स की बात। तो ऐसे कुछ मूवमेंट हैं जो कि लिविंग थिंग्स शो कर देते हैं, जो कि कुछ तो क्या है, इतने फास्ट हैं और कुछ तो इतने स्लो हैं। अब कुछ ऐसे करैक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जो कि लिविंग को नॉन लिविंग से क्या बनाते हैं, डिफरेंट बनाते हैं। तो वो कुछ करैक्टरिस्टिक फीचर्स आपको बताए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो मूव कर सकते हैं, लिविंग थिंग्स को फूड, एयर और वाटर चाहिए, लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, है ना, लिविंग थिंग्स कैन रेस्पोंड टू चेंजेस अराउंड देम, यानी कि दे आर सेंसिटिव होते हैं, लिविंग थिंग्स रेस्पायर करते हैं, लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट करते हैं, वो रिप्रोड्यूस भी करते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो लिविंग थिंग्स दर्शाते हैं। कहने का मतलब कि हम लाइफ प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, तो लाइफ प्रोसेस को शुरू करने के पहले आपको ये बताया है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो कुछ बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं अपने आप को अलाइव बनाए रखने के लिए, है ना। ऑल द ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सम बेसिक फंक्शंस टू कीप देमसेल्व्स अलाइव, अपने आप को अलाइव कंडीशन में बनाए रखने के लिए वो कुछ बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो पहले लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, कौन से ऐसे क्राइटेरियाज हैं जो डिसाइड कर रहे हैं कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने कि व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं। देखो, कुछ ऐसे बेसिक फंक्शंस होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए इस अर्थ पर परफॉर्म करते हैं, उनको हम लाइफ प्रोसेसेस के नाम से जानते हैं। कुछ बेसिक लाइफ प्रोसेस जो हैं वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉमन होते हैं। क्या हैं वो, एक है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसके अंदर हम रेस्पॉन्स टू स्ट्यूमुलाई आता है, ठीक है। स्ट्यूमुलाई का मतलब, जब भी आपको कोई स्ट्यूमुलाई दिया जाता है तो आप रेस्पॉन्स करते हो। कॉमन भाषा में समझाऊं, अगर आपको प्रिक किया जाए तो आप अपने हाथ को तुरंत पीछे हटाओगे, तो वो प्रिकिंग जो थी वो एक स्ट्यूमुलस था और आपने जो अपने हाथ को दूर हटाया वो एक रेस्पॉन्स था। ग्रोथ, मूवमेंट और रिप्रोडक्शन, ये कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाते हैं, ठीक है। अब जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस क्या है, उसके अंदर क्या इन्वॉल्व है कि फूड का लेना, टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी एंड कन्वर्टिंग इट इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स विच कैन बी अब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी वेरी इजीली, उसको हम न्यूट्रिशन के नाम से जानेंगे। अब रेस्पिरेशन क्या है कि जो फूड हमने अब्जॉर्ब किया उससे एनर्जी का रिलीज होना। ये आप जानते होंगे, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस होता है। ब्रीथिंग तो क्या है, जनरल एक्सहेलेशन और इनहेलेशन है गैसेस का। ऑक्सीजन को इनहेल किया और CO2 को एक्सहेल कर दिया। जबकि रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, ब्रीथिंग प्लस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ब्रीथ करने के साथ साथ जो ऑक्सीजन हम इनहेल करेंगे वो हमारे फूड के साथ कंबाइन होगी और उसको ऑक्सीडाइज करेगी, जिससे कि एनर्जी रिलीज हो। तो रेस्पिरेशन में फिर क्या होगा, जब हमने फूड ले लिया तो रेस्पिरेशन के जरिए क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। फिर ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए जो भी सब्सटेंस हमारी बॉडी के किसी पार्ट में या तो एब्जॉर्ब हुआ हो या बना हो, उसको बॉडी के दूसरे भागों में पहुंचाया जाएगा। और एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस होगा जहां पर वेस्ट मटेरियल जो हमारी बॉडी की सेल्स प्रोड्यूस कर रही है उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये आपस में चारों क्या है, इंटर रिलेटेड हैं।
फिर आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, भी हम कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टर है। तो वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, जो उनके चारों तरफ एक चेंजिंग एनवायरनमेंट है, उसमें सर्वाइव करेगा। ठीक है, ग्रोथ के प्रोसेस के अंदर क्या इन्वॉल्व है कि स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो है एक बिग ऑर्गेनिज्म या एडल्ट ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाएगा। मूवमेंट, जहाँ पर ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है, या तो अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करवा सकता है या एक जगह से दूसरी जगह चेंज कर सकता है। और रिप्रोडक्शन, जिसके के अंदर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, अपने ही तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस्ड करेगा। तो ये कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनाते हैं अपने आप को अर्थ पर बनाए रखने के लिए। अब हमारा पहला टॉपिक है न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्या है? सबसे मेन चीज़ जो है वो न्यूट्रिशन। तो देखो, कोई भी लाइफ प्रोसेसेस हो, उस लाइफ प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ से आती है? एक आउटसाइड सोर्स से आती है, जिसको हम फूड के नाम से जानते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? न्यूट्रिशन। फूड क्या है? एक तरह से काइंड ऑफ फ्यूल है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो केमिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं कितने ही तरह के वेरियस लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट करने के लिए। और ये केमिकल एनर्जी उनको कहाँ से मिलती है? फूड से, थ्रू केमिकल रिएक्शंस के जरिए, है ना। एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसको कंटिन्यू एनर्जी चाहिए अपने लाइफ प्रोसेसेस को और दूसरी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। यहाँ तक कि इवन ड्यूरिंग स्लीप, जब हम सो रहे हों तब भी हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हैं उस वक्त भी हमारी बॉडी के अंदर चलते रहते हैं, जिसको कि एनर्जी की आवश्यकता है। जैसे हमारा हार्ट वो नॉन स्टॉप बीट करता रहता है, यहाँ तक कि जब हम सो रहे होते हैं, क्यों? ब्लड को हमारी बॉडी के अंदर पंप आउट करने के लिए। तो ये जो बीटिंग ऑफ हार्ट है, इट ऑल्सो रिक्वायर्स एनर्जी, उसको भी क्या चाहिए? कंटिन्यू एनर्जी का सप्लाई चाहिए। ठीक है, और एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फूड से मिलेगी, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म फूड को लेगा, है ना। तो यानी कि फूड जो है वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि इनटेक और यूटिलाइजेशन ऑफ फूड के बारे में पढ़ेंगे, जिसको कि हम न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। और फिर हम पढ़ेंगे एनर्जी का लिब्रेशन, जो कि रेस्पिरेशन के जरिए होगी। फिर जो डाइजेस्टेड फूड होगा वो हमारी बॉडी के वेरियस पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होगा, तो हम ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे। और जो वेस्ट मटेरियल्स जनरेट होंगे उनका रिमूवल जो होगा उसको हम एक्सक्रीशन में पढ़ेंगे। ऐसे इन चारों पॉइंट से मिलकर हमारा पहला चैप्टर बना है लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, अब न्यूट्रिशन की बात अगर हम करें, पहला देखो, फूड एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। सिंपलेस्ट फूड हम मानते हैं ग्लूकोज, इसको कि हम एक सिंपल शुगर भी कहते हैं। जो मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म है फूड की, वो आ गई स्टार्च। स्टार्च भी ग्लूकोज से ही बना है। तो जो जनरल नेम है सब्सटेंसेस का, जैसे कि ग्लूकोज, है ना, या स्टार्च, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कॉमन फूड है फॉर गेटिंग एनर्जी। इसी तरह से फैट्स एंड प्रोटीन आर ऑल्सो फूड, है ना, ये भी फूड के अंदर ही आते हैं। तो जो प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड है एंड इट्स यूटिलाइजेशन है, उसको ही हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। यानी कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या हुआ कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका इनटेक करना, वो न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स और वाटर हो सकते हैं, जो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, इनटेक भी करता है और उसका यूटिलाइजेशन भी करता है। और न्यूट्रिएंट्स को हम इनटेक कर रहे हैं, तो न्यूट्रिएंट क्या है? एक तरह के ऐसे सब्सटेंस है जो कि ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग से ऑब्टेन करता है और उसको एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करता है अपनी बॉडी कॉन्स्टिट्यूट्स जो हैं उनकी बायोसिंथेसिस के लिए। ऐसे टिश्यूज, ऑर्गन्स वगैरह जो हैं वो इसमें आ गए, है ना। तो ये है न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट। फिर आता है कि टॉपिक आपका मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का मीन्स होता है मेथड्स ऑफ प्रोक्यूरिंग फूड, या आप यूँ कह लो मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। हर एक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने फूड को एक तरीके से तो ऑब्टेन करते नहीं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है डिफरेंट मोड्स मेथड्स ऑफ प्रोक्यूरिंग फूड या ऑब्टेनिंग फूड्स। अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अलग अलग तरह से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिज्म जो हैं अपने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर डिफर हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड ऑल द ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इंटू टू ग्रुप्स, है ना, वो हैं ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक।
यानी कि मेनली देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है उनको कॉमनली आप सब जानते हो। ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? ऑटोस का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉफी मीन्स होता है न्यूट्रिशन, यानी कि सेल्फ न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिज जो अपने फूड की सिंथेसिस खुद करते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सब ऑटोट्रॉफ्स हैं, वो अपना खाना अपना फूड खुद बना सकते हैं, है ना, कुछ इनऑर्गेनिक मटीरियल, सिंपल इनऑर्गेनिक मटीरियल्स की हेल्प के जरिए, ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में, उनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और हेटरोट्रॉफ्स क्या होते हैं? जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते, जो कि अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, उनको हम हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं और हेटरोट्रॉफ्स क्या होते हैं, है ना। हेटरोट्रॉफ्स का हेटरोस मीन्स अदर और ट्रॉफी मीन्स न्यूट्रिशन, तो हेटरोट्रॉफिक का मतलब क्या हुआ? न्यूट्रिशन ऑब्टेंड फ्रॉम अदर्स, जो दूसरों से अपना खाना लेते हैं, जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते उनको हम हेटरोट्रॉफ कहते हैं। जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट हैं जैसे कि ईस्ट, एक तरह की फंजाई है, यूनिसेल्युलर फंजाई, वो भी किस में आती है? हेटरोट्रॉफ्स के अंदर आती है, है ना। और जो एनिमल्स हैं जितने भी, वो तो हेटरोट्रॉफ्स हैं। तो ये है आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आज का इतना आपको टॉपिक जो है, जो मैंने बताया, पहले मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, कौन से क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं कि ये चीज़ लिविंग है। फिर मैंने आपको बताया न्यूट्रिशन क्या है, पहला टॉपिक है हमारा, और न्यूट्रिएंट क्या है। फिर मैंने आपको बताया मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मेनली टू टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो भी मैंने आपको बताया। अब देखो कुछ पॉइंट हैं जो मैंने आपको बताए, उनको आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लें तो आपको थोड़ा ध्यान रहेगा कि हमने अभी क्या पढ़ा आज, ठीक है। तो देखिए आप क्या क्या करना है आपको। इससे आपके थोड़े से नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, है ना। बाकी आपको बहुत कुछ मैटर आपकी एनसीईआरटी की बुक में, और जो रिफ्रेशर्स अगर आपके पास होंगी कोई भी हो, वो एडवाइज़र की हो, एस चांद की हो, तो उनमें भी आपको काफ़ी मैटर डायग्राम्स वगैरह मिल जाएंगे। वो भी मैं आपको टाइम टू टाइम बता दूंगी कि कौन सा डायग्राम वगैरह आपको कहाँ से करना है या जो भी है, है ना। तो अभी के लिए आप अपने नोट्स भी टाइम टू टाइम आप बनाते रहें, कॉपी वर्क कंप्लीट रखें। आपको कॉपी चेकिंग के लिए कभी भी बुलाया जा सकता है, तो कॉपी वर्क आपका कंप्लीट होना चाहिए, है ना। चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेसेस, कुछ पॉइंट पहले इंट्रोडक्शन के देखिए। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स आर अलाइव और लिविंग थिंग्स। सेकेंड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटीरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट इज द मूवमेंट। मूवमेंट है वो क्राइटेरिया। थर्ड, ऑल द लिविंग थिंग्स विच आर अलाइव मूव बाय देमसेल्व्स विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। द मूवमेंट्स इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर फास्ट एंड कैन बी ऑब्जर्व इजीली, बट द मूवमेंट्स इन प्लांट्स आर यूजुअली स्लो एंड ऑब्जर्व वेरी एंड ऑब्जर्व विद डिफिकल्टी, ठीक है। नेक्स्ट, animals can move from one place to another or they can move their body parts. The plants are fixed in the soil at a place so they cannot move like animals from place to place. The plants can only move parts of their body such as leaves, flowers, shoots and roots. The plant parts moves towards a stimulus such as sunlight, gravity or water, etc. Non-living things which are not alive cannot move by themselves. All the living things which are alive have some common characteristics which make them different from non-living things which are as follows. कुछ characteristic features हैं जो कि living things के अंदर present होते हैं और non में नहीं। पहला, living things can move by themselves. Living things need food, air and water. Living things can grow. Living things can respond to changes around them. They are sensitive. Living things respire. Respire मतलब ब्रैकेट में मैंने लिख दिया release energy from food. Living things excrete, get rid of waste material from their body. ये बताई BODY. Living things can reproduce. They can have young ones. ये कुछ ऐसे करैक्टर हैं 7 जो कि लिविंग में मिलते हैं और नॉन लिविंग में नहीं मिलते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं
रिमेम्बरिंग पॉइंट्स जो आपको याद रहे कि आज हमने ये देखा है. नेक्स्ट डे व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस द बेस. यहां से मेन इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आ सकता है. जो भी मैं पॉइंट लिखूंगी हर एक पे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है. ठीक है. द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस. द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस कॉमन टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन. टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम आउटसाइड सोर्स दैट इज द फूड. हम आ गए अपने न्यूट्रिशन टॉपिक पर. अब न्यूट्रिशन क्या है तो देखो डेफिनेशन. न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स बाय द ऑर्गेनिज्म. फिर न्यूट्रिएंट क्या है तो देखो अ न्यूट्रिएंट कैन बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड यूजेज इट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी और फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ इट्स बॉडी कॉन्स्टिट्यूट्स लाइक टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर द न्यूट्रिएंट्स विच आर यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म मेनली एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. वेयर एज प्रोटीन्स एंड मिनरल सॉल्ट्स आर न्यूट्रिएंट्स यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ इट्स बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट लाइक स्किन, ब्लड एक्सेट्रा. तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन हो गई, न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन हो गई. ठीक है. फिर मैंने आपको कहा अपना नेक्स्ट टॉपिक आया था मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. तो देखो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है. इट मीन्स मेथड्स ऑफ प्रोक्यूरिंग फूड और ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म. डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड ऑल द ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इन टू टू ग्रुप्स. दे आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक. दस देयर आर मेनली टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. अब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जैसा मैंने आपको बताया भी, आपने पढ़ा भी है, तो उसको हम नोट डाउन कल करेंगे. आज के लिए इतना काफ़ी है. ठीक है, समझ आया होगा आपको. चैप्टर नंबर 1 शुरू किया है लाइफ प्रोसेसेस, उसका फर्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन. आपको मैंने इंट्रोडक्शन बताया और ये बताया क्या पढ़ना है. वैसे आपके लिए सब कुछ अवेलेबल होता है बुक्स और रिफ्रेशर में, लेकिन फिर भी मैं आपको टॉपिक्स नोट करवाते जाऊंगी जिससे आपको थोड़ा पढ़ने में सुविधा हो और आपके नोट्स भी थोड़े प्रिपेयर होते जाएं. जो मैं करवाऊं उसका कॉपी वर्क आप कंप्लीट रखिए. अब इन टॉपिक्स में से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर आपको सारे इनमें मिल जाएंगे नोट्स में. वो आपको जो सैटरडे को होमवर्क या असेसमेंट दिया जाता है, असाइनमेंट दिया जाता है सैटरडे को, उसमें मैं आपको वो क्वेश्चंस दे दूंगी. हर सैटरडे को असाइनमेंट में आपको इनसे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे. ठीक है, आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट कल हम पढ़ेंगे आगे ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है.